मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, अभी मुझे टप्पू का फोन आया था तो उसके बाजू में भीड़े भी खड़ा था तो उससे भी बात हुई। नहीं नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। भीड़े के साथ तो स्त्री और वो कहे की मैं दूसरी बीवी है, मैंने दूसरी शादी की, तो भीड़े बहुत होनहार, सिद्धांतवादी, बहुत समझदार शिक्षक है, ऐसा कर ही नहीं सका। अरे भाई मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, इसलिए मैं भी मानने को तैयार नहीं था मेहता साहब, लेकिन फिर भीड़े और माधवी भाभी दोनों से मेरी बात हुई और दोनों ने इस बात की पुष्टि दी। क्या थी पुष्टि? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा, पुष्टि पुष्टि की? हाँ वो जो भी है वो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अच्छा मैं अंजलि को फोन लगा के पूछता हूँ, तुम कॉल पे रहना, मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ। हाँ अंजलि, मुझे पता चला वो शॉकिंग सरप्राइज के बारे में, वो शादी का मामला ना। अरे पर आपको किसने बताया? केखा लाल ने। हाँ सुना सुना ना मेहता साहब। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। ये सब कैसे हुआ अंजलि? देखिए डिटेल में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, एक काम कीजिए ना आप लोग जल्दी आ जाइए, हम यही बात करते हैं। ठीक ठीक आता हूं मेहता साहब, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूं, आप फटाफट नीचे उतरो, हम दोनों साथ में गोकुल सोसाइटी पहुंचते हैं। मैं तुरंत नीचे उतरता हूं।